हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ गुडी अंजलि इन स्टैंडर्ड टू ईवीएस चैप्टर नंबर 19th एनिमल किंगडम। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन प्लांट किंगडम एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी एनिमल किंगडम। वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स अराउंड अस, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। तो हम अपने अराउंड बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, छोटे एनिमल्स होते हैं और कुछ बड़े एनिमल्स होते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कलर द करेक्ट पिक्चर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पिक्चर जो भी एक सेंटेंसेस दिया है वो कंप्लीट करना है, और ये जो दोनों पिक्चर्स है एलिफेंट और लायन की, उसको आपको क्या करना है, उसको कलर कर देना है। तो ये आपको खुद से कर देना। और यहाँ पे क्या आएगा, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का किंग किसे कहते हैं, तो लायन को। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, लायन। सम एनिमल्स आर केप्ट एट अ होम फॉर अ प्लेजर, दे आर नॉन एज अ पेट एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ खुशी के लिए हम अपने घर पे रखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं पेट्स एनिमल। वो क्या होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं। सम एनिमल्स लिव क्लोज टू अवर होम्स एंड आर यूजफुल टू अस, दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे घर के नजदीक रहते हैं और जो हमें बहुत यूजफुल भी होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उस एनिमल को कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये सब जो होते हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। सम एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। हाउ डू एनिमल्स मूव, तो जो ये एनिमल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। तो एनिमल मूव्स इन अ डिफरेंट वे, सम एनिमल्स वॉक, सम स्विम, सम क्रॉल एंड सम फ्लाई इन द स्काई। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, चलते हैं, कुछ स्विम करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ आकाश में उड़ते हैं। यहाँ पे क्रॉल मतलब घिसट के चलना, जो एनिमल्स नीचे जमीन पर घिसट के चलते हैं उन्हें क्रॉल करना कहते हैं। और यहाँ पे हमें एनिमल्स के टाइप भी देखे, पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल्स। जो हमारे घरेलू पालतू एनिमल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पेट्स एनिमल्स कहते हैं। जो हमारे घर के अराउंड रहते हैं जैसे कि डॉग एंड वो सब, उन्हें डोमेस्टिक, जो काउ बफेलोज होते हैं उन्हें डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। और वाइल्ड एनिमल्स जो लायन टाइगर जो जंगल में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे हमें पिक्चर्स भी दी हुई है। तो देखिए एलिफेंट, एलिफेंट क्या करता है, वॉक करके चलता है। फिर यहाँ पे हमें डक की पिक्चर दी है, तो डक क्या करता है, स्विम करता है। फिर यहाँ पे स्नेक की पिक्चर दी है, तो स्नेक क्या करता है, क्रॉल करके चलते हैं वो। और यहाँ पे बर्ड जो फ्लाई करते हैं। नाउ साउंड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। जो सारे अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो उनके जैसे एनिमल्स अलग, वैसे उनके साउंड भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे हमें एनिमल्स की साउंड दिए कुछ, तो डॉग, डॉग का साउंड क्या होता है, डॉग्स बार्क्स, अ कैट म्यूज, अ काउ मूस, अ कॉक क्रोस, अ बर्ड चॉप्स, अ गॉट ब्लीड्स, अ हॉर्स नीज, अ लायन रोड्स, अ शीप ब्लीड्स, अ मंकी वूप्स, अ क्रोप्स क्रोस एंड एन एलिफेंट ट्रम्प्स। तो यहाँ पे हमें सारे एनिमल्स के साउंड दिए हुए, इस टाइप के साउंड ये सारे जो एनिमल्स है वो करते हैं। नाउ होम्स ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स के घर के बारे में अभी हम देखेंगे। एनिमल्स नीड अ होम टू प्रोटेक्ट देम सेल्वस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स जो होते हैं उनको घर क्यों चाहिए होता है, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो तो हीट, कोल्ड, रेन, ठंड होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, तो उससे प्रोटेक्ट होने के लिए। और जो सारे दूसरे एनिमल्स हैं जो उनको हार्म करते हैं, ऐसे एनिमल्स से प्रोटेक्ट होने के लिए उनको घर की जरूरत होती है। सम एनिमल्स चूज नेचुरल प्लेसेस एज देयर शेल्टर, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो क्या, नेचुरल प्लेसेस जो होते हैं वो शेल्टर्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट दिया है लायन, लायंस किस में रहते हैं, डेंस में रहते हैं। जो लायन होते हैं उनके घर को डेंस कहते हैं। मंकी लिव्स ऑन अ ट्रीज, जो मंकी है वो किस पर रहते हैं, ट्रीज पे ही रहते हैं वो। एलिफेंट लिव्स अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, एलिफेंट यहाँ पे रहते हैं तो अंडर जो ट्री का शेड होता है उसके नीचे वो रहते हैं। सम एनिमल्स मेक देयर ओन होम्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो उनके घर खुद बनाते हैं, जैसे बीज लिव इन हाइस, जो ये बीज होते हैं वो हाइस में रहते हैं तो वो उनका घर खुद बनाते हैं। बर्ड्स लिव इन अ नेस्ट, बर्ड्स होते हैं जो नेस्ट में रहते हैं तो वो भी खुद बनाते हैं। आंट्स लिव इन अ एंथिलिस, तो ये जो एंथिलिस है वो भी वो खुद बनाते हैं। स्नेक लिव्स इन अ होल, तो ये जो स्नेक्स होते हैं वो होल में रहते हैं और वो होल भी वो खुद ही बनाते हैं। तो ये सारे जो एनिमल्स होते हैं मेक्स देयर ओन हाउसेस, वो खुद के घर खुद बनाते हैं। वी मेक होम फ्रॉम पेट्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, तो हम घर बनाते हैं जो पेट्स और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए जो होते हैं उनके लिए घर हम बनाते हैं। वी मेक अ कैनाल फॉर डॉग्स एंड स्टेबल फॉर हॉर्सेस,
तो जो डॉग्स होते हैं उनके लिए लोग कैनल्स बनाते हैं, और जो हॉर्सेस होते हैं उनको जो इस घर में रखा जाता है उनको क्या कहते हैं, स्टेबल कहते हैं। अभी यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी हुई है, राइट पी फॉर पेट एनिमल्स, डी फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स एंड डब्ल्यू फॉर अ वाइल्ड एनिमल्स, ऑल्सो टेक देयर होम्स करेक्टली, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे जो भी पेट्स एनिमल है उनके आगे हमें पी लिखना है, डोमेस्टिक एनिमल के आगे डी लिखना है, और वाइल्ड एनिमल्स के आगे डब्ल्यू लिखना है, और उनके जो घर है उनके आगे भी हमें टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक हमें करके दिया हुआ है, तो जैसे कि यहाँ पे एक गॉट है तो वो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, तो उसके आगे डी किया हुआ है, और वो स्टेबल में रहते हैं कि शेड में, शेड में, तो उनके आगे टिक किया है। सेकंड है लायन, तो लायन क्या है, वो फॉरेस्ट में रहता है इसलिए वो क्या होगा, वाइल्ड एनिमल होगा, तो हम उसके आगे डब्ल्यू कर देंगे यहाँ पे। और वो हाइव में रहते हैं कि डेन में रहते हैं, तो उनका घर क्या होता है, वो डेंस में रहता है, तो हम यहाँ पे डेन के आगे टिक करेंगे। देन थर्ड पिक्चर है पैरट, तो पैरट क्या होता है, डोमेस्टिक पेट्स की फिर वाइल्ड एनिमल्स, तो वो क्या होते हैं, पेट्स एनिमल्स होते हैं, पैरट जो होते हैं उनको लोग रखते हैं अपने घर में फॉर अ प्लेजर, तो यहाँ पे क्या आएगा पी, एंड वो किस में रहते हैं, कैच में रहते हैं, तो यहाँ पे हम कैच के आगे टिक कर देंगे। फोर्थ हमें पिक्चर्स जो दी हुई है शीप की दी हुई है, तो शीप क्या होता है, पेट्स एनिमल डोमेस्टिक की वाइल्ड, तो वो क्या होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, तो हम इनके आगे डी कर देंगे। और वो किस में रहते हैं, होल की फोल्ड, तो वो फोल्ड में रहते हैं, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे फोल्ड के आगे। ये एक्सरसाइज, ये एक्टिविटी भी आपको कर देनी है टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट यहाँ पे हमें और भी चार एनिमल्स दिए हुए, तो ये फर्स्ट पिक्चर हमें डॉग की दी हुई, तो डॉग क्या होता है, पेट्स एनिमल्स होते हैं वो, तो हम इनके आगे पी करेंगे। और वो किस में रहते हैं, कैनल की शेड, तो वो कैनल में रहते हैं, तो हम इसके आगे यहाँ पे टिक कर देंगे। यहाँ पे जो पिक्चर्स दी हुई है हमें हैन की दी हुई है, क्रो की सॉरी दी हुई है, तो वो क्या होते हैं, वो भी पेट एनिमल्स होते हैं, सॉरी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, और वो किस में रहते हैं, कूप में, तो हम उनके आगे टिक कर देंगे। फिर ये टाइगर है, तो टाइगर किस में रहते हैं, डैन में रहते हैं, तो यहाँ पे हम टिक करेंगे। और वो क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, बिकॉज दे लिव्स इन अ फॉरेस्ट। फिर हमें लास्ट पिक्चर दी है हॉर्स की, तो हॉर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, तो हम उनके आगे डी करेंगे। और वो किस में रहते हैं, स्टेबल में रहते हैं, तो हम उसके आगे टिक कर देंगे। तो ये एक्टिविटी आपको कर देंगे। नाउ है एनिमल्स बेबीज, तो एनिमल्स जो होते हैं उनके बेबीज है, उनके भी अलग अलग नाम होते हैं, तो यहाँ पे हम उनके बारे में देखेंगे। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज, सभी एनिमल्स जो होते हैं उनके बेबीज होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट डॉग, तो डॉग के बेबीज को क्या कहते हैं, पपीज कहते हैं, डॉग है ना पपीज, हमें पिक्चर्स भी दी हुई है उसके बेबीज की। देन है कैट, कैट के बेबी को हम क्या कहते हैं, किटन कहते हैं। फिर यहाँ पे काउ, काउ के जो बेबी होते हैं उसे काउस कहते हैं। गॉड, गॉड के जो बेबी होते हैं उनको किड्स कहते हैं। शीप, शीप के जो बेबी होते हैं उनको लैम्ब्स कहते हैं। फिर यहाँ पे हमें डक की पिक्चर दी हुई है, तो डक के जो बेबीज होते हैं उनको डकलिंग्स कहते हैं। फिर हमें हॉर्स की पिक्चर दी हुई है, तो हॉर्स के जो बेबीज होते हैं उनको कॉल्ट्स कहते हैं। और लायन के जो बेबीज होते हैं उनको कप्स कहते हैं। तो सारे उनके बेबीज के डिफरेंट डिफरेंट नाम भी यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। नाउ है यूजेस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मेनी वेज, दे हेल्प अस एंड गिव अस मेनी यूजफुल थिंग्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत वे में हमारी हेल्प करते हैं वो हमें, तो हम उनका यूज किया है, यूजेस क्या है वो देखेंगे। तो फर्स्ट, डॉग गार्ड्स अवर होम, तो जो डॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे होम्स होते हैं उनको गार्ड करते हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं। सेकंड है कैट्स, कैट्स केयर अवे माइस, कैट से क्या होता है, जो माउस होते हैं हमारे घर में, जो रैट होते हैं वो सब क्या होते हैं, उनसे भाग जाते हैं, तो कैट से वो, कैट उस तरह से हमें हेल्प करती है। काउस एंड बफेलोज गिव अस मिल्क, जो काउस और बफेलो होते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, वो हमें कैसे यूजफुल है, तो वो हमें मिल्क देते हैं। हैन, गॉट एंड फिश गिव्स अस अ मीट, तो जो हैंस होते हैं, गॉट्स होते हैं, फिश, वो हमें क्या देते हैं, मीट देते हैं। हैंस एंड डक्स गिव अस एग, हैंस एंड डक्स आर ऑल्सो गिव अस एग्स। द डंग ऑफ काउस, गॉट्स एंड कैमल्स इज यूज एज अ मैन्यूर इन अवर फील्ड, तो जो डंग्स होते हैं काउस और गॉड्स के, एमल्स के, वो सब किसमें यूज होते हैं, फील्ड में यूज होते हैं, जो हम अपने फार्म्स में भी डालते हैं। वी गेट अ हनी फार्म हनी बीज, तो जो हनी, हनी से हमें, सॉरी फ्रॉम हनी बीज, हनी बीज जो होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है।
Our shoes, bags and belts are made of a leather. Leather is made from the skin of a dead animals like buffalo, camels, snakes and crocodiles. तो जो हनी सॉरी जो जो हमारे शूज होते हैं, बैग्स होते हैं, बेल्ट जो हम यूज करते हैं वो किसके होते हैं? लेदर के होते हैं। तो वो भी हमें किससे मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। उनके जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है उससे ये लेदर बनता है। तो जैसे कि बफेलो, कैमल, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, ये सब जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमें ये लेदर मिलता है। कैमल्स, बुलॉक्स एंड हॉर्सेस पुल कार्ट्स। तो जो कैमल्स, बुलॉक और हॉर्सेस होते हैं वो कार्ट्स को पुल करते हैं। ऑक्सन, डोंकीज एंड एलिफेंट्स मेक अवर वर्क इजी, दे कैरी लोड्स फॉर अस। तो ये जो ऑक्स होता है, डोंकी होता है, एलिफेंट होते हैं, वो हमें क्या करते हैं? हमारा काम इजी कर देते हैं, क्योंकि जो लोड होता है हम देखते हैं कि जो एलिफेंट जो होते हैं, डोंकीज जो होते हैं, फिर जो ऑक्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने खुद पर लोड कैरी कर सकते हैं, तो उनका भी यूज होता है इस तरह से। तो एनिमल्स जो होते हैं वो बहुत वे में हमें हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमें वीडियो में एनिमल्स के यूजेस जो है, एनिमल्स के जो बेबीज होते हैं, जो एनिमल्स एनिमल्स के टाइप्स, तो डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स है ना, वाइल्ड एनिमल्स। तो डोमेस्टिक किसे कहते हैं? जो हमारे घर के आजूबाजू होते हैं, जिनको हम एज अ प्लेजर हमारे घर में रखते हैं उन्हें पेट एनिमल्स कहते हैं, और जो जंगल में रहते हैं उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। तो ये क्या थे तीन हमने एनिमल्स के टाइप्स देखे। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 19 था, एनिमल किंगडम इज ओवर हियर, एंड एक्सरसाइज जो है उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जिसमें से आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में लिख देना है, एंड ऑल्सो अवर सिलेबस ऑफ सेकंड स्टैंडर्ड ईवीएस इज ओवर हियर। So bye students, have a nice day.